इस समय देश में नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं और ये काफ़ी विवाद का विषय बन गया है। और इस विधेयक को लेकर के एक मुस्लिम नेता ओवैसी ने टिप्पणी की, भारत में अगर ये नागरिकता संशोधन कानून लागू हो जाता है तो भारत की स्थिति भी इसराइल जैसी हो जाएगी। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये टिप्पणी क्यों की कि भारत की स्थिति भी इसराइल जैसी हो जाएगी। तो हमें ये देखना होगा कि क्या इसराइल में किस तरह का कानून है जिसके बारे में ऐसी टिप्पणी की जा रही है। तो इसराइल के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसराइल 1948 में आज़ाद हुआ, इससे पहले वो फिलिस्तीन का ही एक पार्ट था और उस समय ब्रिटेन का कब्जा 1900 के आसपास ब्रिटेन का फिलिस्तीन पर कब्जा हुआ करता था। और जब ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को आज़ाद किया तो इस देश को दो टुकड़ों में बांट दिया, वहाँ का विभाजन कर दिया और विभाजन से ही इसराइल का जन्म हुआ। तो 1948 में जब इसराइल का जन्म हुआ तो इसराइल में बहुसंख्यक आबादी करीब करीब 77 या 78% जो आबादी थी वो यहूदियों की थी। और वहाँ पर यह कहा गया कि इसराइल का जो पूरा का पूरा जन्म हो रहा है वो इसी आधार पर हो रहा है क्योंकि यहूदी अपने लिए एक अलग राष्ट्र चाहते हैं। तो इसराइल में कम से कम तीन बार वहाँ के नागरिकता कानून में संशोधन हो चुका है। उसके मुख्य बात यह है कि पूरी दुनिया में यहूदी जहाँ कहीं भी होंगे वो इसराइल की नागरिकता के पात्र अपने आप हो जाएंगे अगर वो चाहेंगे तो। मान लीजिए कि इसराइल का कोई भी नागरिक दुनिया में कहीं भी रह रहा हो और उस नागरिक का बच्चा होता है तो वो बच्चा अपने आप पैदा होते ही इसराइल का नागरिक हो जाएगा। इसके अलावा इसराइल में 20% की आबादी अरबों की और ईसाइयों की भी है, लेकिन ये वो आबादी है जो वहाँ के मूल निवासी हैं या मूल वासिंदे हैं। बाहर से आकर के कोई मुस्लिम या कोई अरब अगर वहाँ की नागरिकता लेना चाहे तो वो वहाँ पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वहाँ उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। और इसराइल में जिस तरह से स्थिति है, नागरिकता की स्थिति है, वहाँ पर यहूदी नंबर वन नागरिक माने जाते हैं और बाकी जो दूसरी कौमें हैं वो नंबर टू मानी जाती हैं। इसी तरह इसराइल के ही कानून की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं उसी तरह की बात करता हूँ जापान की। जापान में भी ये कहा जाता है कि जापान में मुस्लिमों को नागरिकता मिलना बहुत मुश्किल है। जापान में यूँ भी मुस्लिम बहुत कम मिलते हैं, वहाँ पर 9000 से 10000 के आसपास मुस्लिम हैं और वो मुस्लिम आमतौर पर वहाँ के पड़ोसी देश इंडोनेशिया से वहाँ पर आए हुए हैं। और जापान में आमतौर पर मुस्लिमों का स्वागत नहीं होता है और अगर वो बाहर से आकर के अब नागरिकता लेना चाहें तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसी तरह से चीन है, चीन में भी मुस्लिमों की जो हालत है उसमें चीन में अगर कोई मुस्लिम बाहर से आ रहा है और वो नागरिकता लेना चाहे तो इम्पॉसिबल है। हालांकि चीन में ये भी होता है कि चीन में बाहर से आने वाले किसी भी विदेशी नागरिक के लिए नागरिकता लेना इम्पॉसिबल जैसा है क्योंकि चीन ने इसके लिए अपने कानून बहुत कड़े किए हुए हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर लोग 20-20 साल भी रह लेते हैं तब भी उनको चीन का नागरिक नहीं बनाया जाता है। तो इसी तरह की स्थिति कुछ हद तक नेपाल के साथ भी है। नेपाल हिंदू राष्ट्र है और नेपाल में अगर मुस्लिम वहाँ की नागरिकता लेना चाहें तो उसकी राह में बहुत ढेर सारी अड़चनें आती हैं। वहाँ पर हिंदू जाके नागरिकता लेना चाहें तो बहुत आसानी से मिल जाती है। तो कुल मिलाकर के दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर मुस्लिमों के लिए नागरिकता लेना मुश्किल ही नहीं बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और शायद इसीलिए ओवैसी जैसे नेता अगर ये कहते हैं कि भारत की स्थिति इसराइल जैसी हो जाएगी तो उनका मतलब यही होता है कि इसराइल ने जिस तरह से अपने यहाँ यहूदियों को सबसे ऊपर रखा है और वो बाहर से आने वाले मुस्लिमों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है, उसी तरह की स्थिति भारत में होने जा रही है। और ये बात सही है कि भारत में अगर ये नागरिकता संशोधन कानून लागू हो जाता है तो आस पड़ोस के से आने वाले जो हिंदू हैं, बौद्ध, जैन, सिख, इस तरह के 6 जो धर्म के लोग हैं उनको तो आसानी से नागरिकता मिल जाएगी लेकिन मुस्लिमों को नागरिकता नहीं मिलेगी। इस चीज़ को लेकर के यहाँ बहुत विरोध हो रहा है लेकिन भारत अकेला ऐसा देश नहीं होगा जो ऐसा करेगा। कई ऐसे देश प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर ऐसा ही करते रहे हैं और इसी बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने होगी hindinews18.com के डिजिटल प्राइम टाइम में रात 9:00 बजे। इस रिपोर्ट पर आप नज़र डालिए, आप इसको पढ़िए, आपकी राय का इंतजार रहेगा।